करण अर्जुन जो मूवी स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो सीन लिया जाता है ना, वह इसी पवन चक्की का लिया जाता है। पर नीतू खड़ी हुई है ना वहाँ पर, गांव वाले खड़े होते हैं और पूछते हैं कहाँ है करण अर्जुन। जब गांव वाले बोलते हैं वो रे करण अर्जुन, तो ये देखिए ये रहा वो। तो अब घर पर पहुँच गए जहाँ पर करण अर्जुन रहे थे, घर दिखाया था उनका जो, तो देखिए वही घर है ये वाला। तो यहाँ से वो एकदम भाग करके जाते हैं, वो देखिए पीछे भी आप देख रहे होंगे। आकाश झुका देंगे। पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बीलवाड़ी गांव, और ये 1995 में एक मूवी आई थी करण अर्जुन। तो उसमें जो करण और अर्जुन, जो सलमान खान और जो शाहरुख खान थे ना, उनका जो गांव है ना वो है ये दोस्तों बीलवाड़ी गांव। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं करण और अर्जुन के गांव में, तो बीलवाड़ी। चलिए दोस्तों वही लोकेशन में दिखाता हूँ आपको जहाँ पर उनका घर था, और जैसी स्टार्टिंग होती है ना तो एक पवन चक्की भी आती है, सारी चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो एक बार लाइक जरूर करना। तो दोस्तों हम इसको राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है बीलवाड़ी, वहां से इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर आप किस गांव, किस देश और किस सिटी से अगर हमारी वीडियो को देख रहे हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जहाँ नीतू खड़ी हुई है ना, ये है बीलवाड़ी गाँव, और ये स्टार्टिंग में एक पीपल का पेड़ पड़ता है, और ये जो रास्ता है ना एक तरफ गई है जयपुर के लिए इधर, और इधर से आ रही है वो आ रही है अलवर की तरफ से। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये गाँव बीलवाड़ी, और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है। और एक भैया मिले, क्या नाम है भैया तुम्हारा? राहुल। ये राहुल भाई, बीलवाड़ी गई हो तुम? तो चलो ये चलेंगे आज हमारे साथ करण अर्जुन के घर लेकर के, आ जाओ। ये देखिए दोस्तों अब हम चल दिए हैं बीलवाड़ी गांव के अंदर, और ये देखिए ऐसे पक्की रास्ता बनी हुई है यहाँ पर। और वो भैया जो आए थे, राहुल नाम है, वो बीलवाड़ी से ही है, वो हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए हैं, और वो हमको बताएंगे, गाइड बनेंगे हमारे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है यहाँ पर, पहली बार ही आया हूँ मैं इस जगह पर। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए सामने एक पहाड़ है ना, कितना सुंदर दिख रहा है, और गांव में ही है वो पहाड़। ये देखिए ऐसी रास्ता है गांव की, आरसीसी है पूरे गांव में। अच्छा गांव लग रहा है, थोड़ा पैसे वालों का भी लग रहा है मेरे को ना, पैसे वाले हैं गांव में। राइट पवन चक्की यही खड़ी कर लो गाड़ी, कहाँ पर है? हाँ वो रहा सामने, आगे है अभी। चलिए देखिए चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है गांव के। टेक द नेक्स्ट राइट, देन यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। देखिए दोस्तों एक तो वो है बरगद का पेड़, और एक मेरे पीछे है यहाँ शक्ति फैंसी जर्नल स्टोर के नाम से, पहले भी मैंने देखी है ये दुकान। और यहाँ पर एक भैया है, नमस्कार, राधे राधे भैया। भैया आपके समय पर तो हुई होगी जब वो शूटिंग थे आप, आठवीं में पढ़ते थे। जो करण अर्जुन जो मूवी स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो सीन लिया जाता है ना वह इसी पवन चक्की का लिया जाता है, ये देखिए। और अभी भी इससे बिजली वगैरह बनती है क्या? नहीं अब नहीं बनती है, ये देखिए दोस्तों ये पवन, ये देखिए ये है वो पवन चक्की। और अगर याद आ गया हो आपको तो वही लोकेशन स्टार्टिंग में शाहरुख खान का जो चेहरा से दिखाते हैं ना, वो पवन चक्की है। चलिए अब तो भैया इसमें से कोई नहीं निकलता है पानी बिजली वगैरह कुछ भी? नहीं पानी का तो पानी नहीं आता, नीचे गया पानी। अच्छा पानी नीचे चला गया, चलो ठीक है। डूबरी सामने से ना, ये भी डूबरी दिखाई देते हैं पहाड़। हाँ ये भी सामने वाला, वो मैंने दिखा दिया, वो सामने जो पहाड़ है। हाँ चलो अब चलते हैं, वो उनका घर आगे करण अर्जुन। अच्छा ये लिया जाए। देखिए दोस्तों अब ये भैया लेकर के चल दिया हमें करण अर्जुन के घर, यहाँ से दो रास्ता फटती हैं, तो हम जा रहे हैं अंदर गाँव में। अब देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है हमारी, तो वहाँ तक पहुँचेंगे हम, फिर नहीं पैदल चले जाएंगे, छोटा गांव है। आगे चल रहे हैं हम, तो ये भैया बताता जा रहा है कि हमें आगे कौन कौन सी जगह मिलेगी, मुझे जानकारी नहीं है। ये तो भैया गांव का है लोकल, पर ये है करण अर्जुन के गांव की गलियां, चलते रहो एंजॉय करते रहो, वो भी कभी ना कभी तो निकले ही होंगे यहाँ से। तो वो अभी बाइक गई थी ना, तो वहाँ पर तो खड़े गाँव के लोग जो पूछते हैं कि करण अर्जुन कहाँ है, तो यहाँ पर यहाँ से गांव वाले पूछते हैं करण अर्जुन कहाँ है। और करण अर्जुन देखो वहाँ पर खड़े होते हैं, जो छोटा सा
पैर जैसा दिख रहा है ना, झीना जैसा, करण अर्जुन उसके ऊपर खड़े रहते हैं। ये है जो अट्टा है ऊपर, वो ये वाला सीन देख लेना, मैं क्लिप लगा दूंगा तो आप समझ जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये द सॉफ्ट एकेडमी भीलवाड़ी लिखा हुआ है, ये एक स्कूल है कोई द सॉफ्ट एकेडमी, परंतु हाँ ये अभी भी ऐसे ही दिखते हैं और वो ऊपर वाले भी ऐसे ही दिखते हैं। और शायद मेरे को लगता है यहाँ से पूछते हैं वो कि कहाँ है करण अर्जुन, इस जगह से पूछते हैं। हाँ मतलब यहीं से पूछते हैं ना अंकल जी, कहाँ है करण अर्जुन। हाँ यहाँ से खड़े होके पूछते हैं गांव वाले कि कहाँ है, करण अर्जुन कहाँ है, तो वहाँ खड़े होते हैं करण अर्जुन। ये देखिए इस जगह पर खड़े होते हैं वो करण अर्जुन। चलिए वो गलत बोल दिया पहले, परंतु ये जगह है वो। तो गर्मी कितनी बढ़ गई है कि पसीना आ रहा है पूरे चेहरे पर, और बरसात का भी समय है, धूप तो निकली नहीं है, दो दिन हो गए आज, परंतु अब हम जिन गलियों में घूम रहे हैं ना, जिस गाँव में, वो है भीलवाड़ी, वो है भीलवाड़ी गांव जो अब कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और यह है करण अर्जुन का गांव। चलिए उनके घर चल रहे हैं, ये भैया पीछे आए ना दोनों, ये हमको लेकर के जा रहे हैं। हाँ करण अर्जुन के गांव में ही है, तो चलिए चलते हैं आगे। जब इतनी दूर तक आए तो सोचा ये भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस समय अब हम आ गए करण अर्जुन के घर, गांव में चल के पैदल पैदल आए, पूरा गांव देखा हमने, तो अब घर पर पहुंच गए जहां पर करण अर्जुन रहे थे, घर दिखाया था उनका जो। तो देखिए वही घर है ये वाला, जो सीन जो बाबा खड़े हैं, यहां से दरवाज़ा है वो, ये देख लेना आप, क्लिप लगाएंगे वीडियो में भी एकदम पता लग जाएगा आपको। आ जाओ बात करते हैं उनको। चलिए देखिए दोस्तों एक सीन ना, इधर से करण अर्जुन जो भाग करके आते हैं, और ये देखिए ये भी वही कुआ है, और ये एक ये दादी क्या कह रही है बेटे, हनुमान गिरी। अच्छा अच्छा तो सही है, दादी चिल्ला रही है, मुझे लगा कि शायद हमसे कुछ बोल रही हैं। ये देखिए बरसात आने वाली है दोस्तों, एकदम काले बादल हो गए। ये देखिए एक सीन देखो इधर से लिया गया है, जब अगर वो भाग करके आते हैं ना, तो ये जो पहले कभी दरवाज़ा रहा होगा यहाँ पर जो अभी भी है ना, और इधर की साइड में ये ना, ये भी एक दीवार थी ऐसी सेम, परंतु अब तो लेटरिंग बाथरूम वगैरह बनवा दिए हैं। तो यहाँ से वो एकदम भाग करके जाते हैं, और वो देखिए पीछे भी आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल वही लोकेशन है जो सेम टू सेम, देखो वो झरोका से दिख रहा है ना, छोटे छोटे दो हाँ दरवाजे के साइड में, वो ऐसे भी वो ऐसे ही है। मैं क्लिप लगा दूंगा इधर से, और इधर से देखिए भाग करके जाते हैं एकदम करण अर्जुन। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं करण अर्जुन के घर के बिल्कुल सामने, जो 1995 में आई थी मूवी करण अर्जुन। अंदर से अगर वो दिखा देते हैं तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ अंदर से भी दिखाने की। दोस्तों वो भैया गया है पूछने के लिए कि हम वीडियो अंदर बना लें या ना बना लें, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, परमिशन लेना, ऐसे नहीं जा सकते हैं, वैसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उस उन्होंने भी तो ली होगी ना परमिशन। और इनमें एक दादी ने बताया था कि जो एक दरवाज़ा है वो खुद मूवी वाले लगा करके गए थे उसमें पिक्चर में, तो उन्होंने इनका टूटा हुआ होगा, तो इनका टूटा हुआ होगा। परंतु देखो पिक्चर वालों ने ये कहाँ से लिया है, हाँ ये लोकेशन कहाँ, इतना अंदर आकर के। चलो वो भैया बुला रहा है, तो चलो हम पानी भी पियेंगे, तो करण अर्जुन के घर से ही पानी लेंगे, हम बोतल लेके आए थे अपनी, बारिश भी आ गई है। चलिए देखिए ये भैया है राहुल भाई, ये लेकर के आए थे। ये देखिए अब ये इस कंडीशन में है इनका, जो करण अर्जुन का जो मूवी में मकान है ना वो, ये देखिए कुत्ता है क्या, नहीं चलिए जैसे ही अंदर चलते हैं हम, तो ये देखिए एक यहाँ पर एक जंगला जैसा लगा रखा है। चलिए थोड़ा सा और अंदर, अरे ये अब ये फूट गया है, ये फूट गया है। नमस्कार जी, नमस्ते अंकल, बंद कर रखा है ना, बंद ही रहने थे, बंद ही रहने थे। आपने भी देखी थी अंकल, कोई रोल वगैरह था? रोल नहीं था, नहीं था। कितने दिन हुई थी यहाँ पर उस करण अर्जुन की शूटिंग? 15 दिन। तो यहाँ पर एक दो रात रुके थे या नहीं रुकते थे? रात को दिन में ही आते थे। तो आपको कुछ मिला था इसका, दिया था कुछ? दिया नहीं दिया, 5,000। देखिए दोस्तों 5,000 रुपये जो आज
अरबों रुपए कमा करके जो मूवी बैठी हुई है और इन अंकल का ही मकान है ये देखिए। अब इस फिलहाल काम चल रहा है, पता नहीं कुछ दीवार वगैरह बनवा रहे हैं, परंतु ये देखिए ये है ना, वो कौन सी जगह है जहाँ पर वो दोनों सोते हैं? नहीं सोते नहीं है, या खाना पीना खाते हैं ना, देखिए यही जगह है। हाँ सोते भी हैं, और देखिए वही पिलर है, इस पर एक पर लालटेन भी लटकी हुई है, मैं क्लिप लगा दूंगा साइड में। और ये देखिए ये है, और ये जगह है जहाँ पर करण अर्जुन सोते हैं, ये देखिए पहचान लीजिए, वही दरवाजा वगैरह और चौखट वगैरह है ना, उससे अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा। अरे हाँ एक दादी भी है, वही दादी है, सही है, दादी को एक बार कैप्चर करता हूँ यहाँ से। नमस्कार दादी जी, ये देखिए दादी ने मूवी देखी है, परंतु मैं वहाँ तक एक बार जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आ जाऊँ मैं, ऐसे ही आ जाऊँगा, कोई बात नहीं है। देख कर के आना, नहीं तो बहुत पहने पत्थर होते ये पत्थर होते। नमस्कार दादी जी, दादी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेंदी, गेंदी, गेंदी नाम है। अम्मा आपने जो पिक्चर आई थी उसमें कोई देखी थी वो पिक्चर? कौन देखी? पिक्चर नहीं देखी, पर वो तो देखे होंगे आपने, करण अर्जुन, वो तो देखे, देखे थे दोनों। जब आप यहीं रहती होंगी अपने घर में रखते थे, या वो जब आप निकल जाती थी जब पिक्चर वगैरह शूट हो, यहीं रहते थे? ये देखिए अम्मा है, बहुत बुजुर्ग हैं दादी, गेंदा नाम है ना, हाँ गेंदा नाम है दादी का। और इन्होंने वो करण अर्जुन जो मूवी आई थी वो मूवी नहीं देखी, परंतु उसकी शूटिंग वगैरह वो सारी चीज़ देखी। जरूरी तो सही है, पर अब याददाश्त, हाँ बुजुर्ग हो गई है ना, बहुत बुजुर्ग हो गई है। ये देखिए हाँ अंकल ने देखी है, अंकल तो थे। अब देखिए दादी कैसी जगह पर रहती है, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए अभी फ़िलहाल इनका मकान बन रहा है, ये फूट गया है पीछे से, तो दोबारा से रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। और ये देखिए एक टीन, हल्की छोटी सी एक लोहे की टीन डली हुई है, और ये इसमें बेचारी दादी रह रही हैं, वो उनके बेटे हैं, दो बेटे हैं और अम्मा, हाँ। दो बेटे हैं दादी पर। अंकल जी आपने तो देखी थी? नहीं कौन देखी था। आपने शूटिंग भी नहीं देखी? कहाँ थे आप जब? मैं नहीं थे यहाँ, नहीं होंगे। चलिए ये एक लोकेशन मैन ये हो गई करण अर्जुन की। चलिए दोस्तों भाई अंकल से मांगा है हमने पानी। बहुत यूट्यूबर आ गए अंकल जी, अंकल जी बहुत यूट्यूबर आ गए होंगे आपके यहाँ। हाँ पिक्चर बना के तो वो एक बार चले गए। चलिए करण अर्जुन के घर से ना पानी भरवाते हैं अंकल के हाथों से। दोस्तों ये देखिए अंकल ने बताया कि 1947 का ये करण अर्जुन वाला जो मकान है इनका, ये बना हुआ है 1947, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था और इनका मकान बन गया था, है ना, 1947 में बना था। ये दो भाई हैं, एक तो वो थे अंकल और एक ये थे। तो बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिल करके, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए जहाँ अंकल खड़े हैं ना, एक ये भी सीन है, यहाँ से वो भाग करके आते हैं ना, और दोनों यहाँ से जो एक फाटक सा लगा होता है छोटा सा, दीवार को कूद करके वो जाते हैं। पर फिलहाल अभी लेटरिन बाथरूम इधर बन गए, और इधर तो अभी ऐसी की ऐसी वही दीवार है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वहाँ पर नीतू खड़ी हुई है ना, वहाँ पर गाँव वाले खड़े होते हैं, और जो विलेन है हमारी मूवी का करण अर्जुन का, वो खड़ा होता है और पूछते हैं कहाँ है करण अर्जुन? इस गाँव में आ गए, भारी पड़ 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 करण अर्जुन वो देखो वाला ये लिया हुआ। अब थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ये किराना की दुकान वगैरह बन गई है, बाकी का सीन वही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों एक सीन जो मूवी के बीच में जो लिया गया है, जब उनकी करण अर्जुन की जब माँ भागती हुई आती है ना, तो देखिए वो इस जगह से आती है भागती हुई कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये देखिए वही सीन है, ये देखिए जो बिल्डिंग दिख रही है एक उधर ना दोस्तों, पानी की टंकी हुआ करती थी पहले, परंतु अब वो समय के साथ वो भी शायद टूट टूट गई। ये देखिए जहाँ नीतू खड़ी है ना, वो एक नल लग रहा है, वो नल अभी भी है, पहले भी था। और ये देखिए इस जगह पर जो पानी की टोंटी लगी हुई है, ये पहले भी थी, अभी भी है। और ये देखिए जो खम्भे हैं ना बिजली के, जो पिलर दिख रहे हैं, वो पिलर पहले भी थे और आज भी ऐसी कैसे हैं। तो एक ये सीन यहाँ से ये लोकेशन लिया हुआ है करण अर्जुन मूवी में। ये नल में पानी आता है? नहीं आता, यानी कि वो जभी से ख़राब है। चलो तो पर ये वाली टंकी है, देखिए ये वाली जो पानी की ये है ना दोस्तों, ये वाली पानी की टंकी पहले भी है मूवी में और अभी भी है। वहाँ पे थी वो तो अब नहीं बता रहे हैं। एक मकान वापस, हाँ वो मकान है सामने वाला, वो भी दिखता है ऐसे ही कैसा। चलिए अच्छा है, और ये पहाड़ तो है। ये थी
कर्ण अर्जुन की मूवी की शूटिंग लोकेशन। हाँ, तो कर्ण अर्जुन किस घर में रहे थे वो हमने घर दिखाया आपको, और उसी गांव में हैं हम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।